तो हेलो फ्रेंड, और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज मैं बताने वाला हूँ काइनमास्टर का एक प्रॉब्लम फिक्स करके। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कि काइनमास्टर में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए, आज जैसे काइनमास्टर ओपन करते हैं तो आपको द काइनमास्टर इंजन फेल टू इंटेलाइज ऐसे करके आ रहा है। आप जितने बार काइनमास्टर ओपन कर लीजिए, आप सेम टू सेम प्रोसेस आपको देखने को मिले। देखिए, तो गाइज आज मैं इसको फिक्स करके दिखाने वाला हूँ आपके सामने, और आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे इसको फिक्स कर सकते। तो गाइज, सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को हो सके तो शेयर भी जरूर कर दे, ताकि आपके दोस्त जितने भी जितने को भी इसको प्रॉब्लम हो रहा है उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो गाइज चलिए अब इसको फिक्स करते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके लिए आप प्ले स्टोर को ओपन करें। तो चलिए हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल अकाउंट्स करके एक आपको ऑप्शन मिलेगा। तो गाइज यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स टाइप करके सर्च कर लीजिए। करने के बाद आपको यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट करके एक ऐप मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद ओपन कर लीजिए। तो चलिए ओपन करते। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा ऐड देखेगा, उसको आप कट करने के बाद एक्सप्लोर कर लीजिए। एक्सप्लोर करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे देखेगा, यहाँ पर ऐड मोर ऐप्स में नीचे इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको काइनमास्टर में काइनमास्टर को यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पर काइनमास्टर को ऐड करने के बाद ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पर इनेबल कर लीजिए। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद यहाँ पर काइनमास्टर आ जाएगा, और इसको आपको कैसे आगे यहाँ पर आपको टैप करते रहना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पर नेम चेंज कर सकते हैं, हम यही नेम रहने देते हैं। तो इसको शेयर कर लीजिए। शेयर करने के बाद ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको यहाँ काइनमास्टर अब आगे आ चुका है। आपको मिनिमाइज करके बैक जाना। जाने के बाद देखिए यहाँ पर काइनमास्टर आ चुका है। इसको ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अलाउ कर दीजिए, फिर से अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद फिर से एक बार अलाउ करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार करने के बाद आपको यहाँ पर काइनमास्टर खुल रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर काइनमास्टर खुल रहा है। तो खुलने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लग सकता है। आपको यहाँ पर चाहे तो रन एलओएस नाउ भी कर सकते हैं, रिमाइंडर मी लेटर भी कर सकते हैं। तो हम यह कर देते हैं। करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा हार्डवेयर टेस्टिंग का ऑप्शन आएगा। तो देखिए हार्डवेयर परफॉर्मेंस अलायंस इन प्रोग्रेस करके आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट हार्डवेयर परफॉर्मेंस अलायंस इन प्रोग्रेस हो चुका है, लगभग कंप्लीट होने को है। तो गाइस यहाँ पर अब आपको क्या करना है, मैं आप दिखाना है। जैसे आप ये पूरा होगा उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, तो चलिए इसको पूरा होने देते हैं, और इसके बाद आप आराम से अपना वीडियो एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ वो सब जैसे पूरा होगा। तो देखिए गाइस ऑलमोस्ट फुल हो चुका है। तो गाइस देखिए यहाँ पर आपको नो रूल्स पे सो रूल्स पे क्लिक भी कर सकते हैं या ओके भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसा आपका खुलेगा। तो गाइस यहाँ पर आप जो चाहे वो वीडियो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई सा भी वीडियो आप सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप मीडिया में जाके जैसे आप पहले करते थे वैसे आप कर सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत आसानी से आपको कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो गाइस हम देखिए यहाँ पर आप कोई भी वीडियो या कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ऐड करके आप एडिट कर सकते हैं। राइट करने के बाद आप एडिट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, आप यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपको कोई भी वीडियो में डालता हूँ तो सबसे पहले मिल जाए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।